नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में समस्याएं आने से पहले खत्म हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सरल, सिंपल और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं कर पाते। कहा गया है कि ये जो देवी देवता होते हैं इनकी कितनी बार बड़ी पूजा से भी ये खुश नहीं होते, और कितनी बार देखा गया है कि आप कुछ छोटा सा उपाय कर लो और ये तुरंत खुश हो जाते हैं। नौ ग्रह के अंदर जो शनि देव हैं ये गुस्सा के लिए प्रख्यात है दोस्तों। शनि देव का प्रकोप जिसके ऊपर भी आ जाता है दोस्तों, वो व्यक्ति किसी लायक नहीं बचता है। राजा भी रंक हो जाते हैं, तो फिर आम आदमी की तो क्या बिसात है कि शनि देव के प्रकोप का सामना कर सके। दोस्तों जिनके ऊपर शनि देव का प्रकोप है उनको तो ये करना ही है, लेकिन जिनके ऊपर नहीं है उनको भी ये छोटी सी क्रिया कर लेनी है। अगर प्रकोप नहीं है तो कृपा तो बरसेगी, इसलिए आपको ना कोई पूजा करना है ना पाठ करना है, कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल उपाय बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको शनिवार की शाम को ये क्रिया करनी है। दो उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, एक क्रिया आप शाम को कर लें और दूसरी क्रिया आप रात को कर लें। दोनों में से कोई भी एक भी करेंगे तो भी काफी राहत होगी। शनि देव को जो भी चीज पसंद है वो आप उनको दे दें। सबसे प्रिय शनि देव को कौआ है, कौआ शनि देव का वाहन है, और कुत्ते को भी शनि देव बहुत पसंद करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये क्रिया महिलाएं पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। धैया साढ़े साती है नहीं है उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको छोटा सा उपाय कर लेना है। और ये उपाय भी नहीं है, आपको किसी भी स्वीट की शॉप से मतलब मिठाई की दुकान से काले गुलाब जामुन आते हैं, काले जामुन ले आने हैं दो या चार पीस, बहुत नहीं लाने हैं। और वो काले जामुन शाम को 4 बजे से 6 या 7 बजे के बीच में आप कौए को खिला दें। जहां भी कौए आपको दिखें उस जगह पे तोड़ के आपको डाल देंगे। कौओं को ये काला जामू देते ही दोस्तों शनि देव की कृपा आपके ऊपर अपने आप बरसने लग जाएगी। कौए जैसे ही आपके गुलाब जामू खाएंगे दोस्तों, शनि देव बड़ी पूजा से जहां प्रसन्न नहीं होते हैं वहां शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। दूसरा उपाय दोस्तों, रात का जब आपके घर में खाना बनता है उस समय लास्ट जो रोटी है वो रोटी आपको ले लेनी है। जो लास्ट में रोटी बने वो अपने घर पे, जो भी रसोई घर में आपकी रसोई तैयार करती है वो महिला या कोई भी जो भी हो उसको बोल देना है कि लास्ट की रोटी दूसरी रोटियों से थोड़ी बड़ी बनाए, वो रोटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और उस रोटी में आपको सरसों का तेल लगा देना है जिस तरह से लोग घी लगाते हैं, वैसे आपको उस रोटी में सरसों का तेल लगाना है। और वो सरसों का तेल लगा के आप उस रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। कोशिश आप ये करें कि काला कुत्ता ही होना चाहिए,
अगर काला नहीं मिल पाता है तो फिर किसी भी कलर के कुत्ते को आप वो रोटी दे दे बस, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं कि जो बड़ी बड़ी पूजाओं को भी वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब उनको कोई छोटा मोटा उपाय भी करता दिख जाए और अगर उनको पसंद आ जाए तो वो छोटे से उपाय में भी खुश हो जाते हैं। इस उपाय से शनि देव आपके ऊपर खुश खुश हो जाएंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। जिसके ऊपर शनि देव की कृपा होती है उसके यहां दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लग जाती है, और वो धन संपत्ति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पैसे आपके यहाँ बहाना मार मार के आने लग जाएंगे, पैसे आने के रास्ते आपके चारों तरफ खुलते चले जाएंगे। तो इस क्रिया को करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।